माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 टॉपिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमको दिया है वी आर गिवन NC8 इफ NC8 इज इक्वल टू NC8 इज इक्वल टू NC2 then find the value of NC2. तो what is the value of NC2? NC2 का value निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, N। जब तक N नहीं निकलेगा तब तक NC2 का value नहीं निकलेगा, तो N का value निकालने के लिए हमें N की value किस तरीके से निकालना है। तो आप देखो, अगर आप सीधे सीधे देखते हैं तो यहाँ n की जगह n है, c की जगह c है, 8 की जगह 2 है। हाउ इज इट पॉसिबल, 8 इज इक्वल टू 2 कैसे पॉसिबल होगा? तो एक रिजल्ट है दोस्तों, वो रिजल्ट आपको समझना पड़ेगा। ncr की वैल्यू होती है nc n-r, और ncr का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। और ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसको प्रूव करने के लिए ये फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लगा दीजिए, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इसमें भी लगा दीजिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर इसमें भी लगाएंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस दिस n-r, n से n कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इंटू n-r फैक्टोरियल। देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस दिस होल इंटू फैक्टोरियल ऑफ दिस। देखो आप, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गई हैं, आगे पीछे लिखा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस इज वॉट आर फैक्टोरियल एंड दिस इज एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो दीज टू आर इक्वल, देयरफॉर दीज टू आर इक्वल, और आप ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने दिमाग में बिठा लें। तो इस रिजल्ट का अगर यूज किया जाएगा यहां पर, तो एक साइड में ही करना है, दोनों साइड में करेंगे तो फिर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, एक साइड में यूज करना है। NC8 इज इक्वल टू NC n-2। नाउ सबस्क्रिप्ट, इसको कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट, इसको कहेंगे सबस्क्रिप्ट, जो चरणों में है, जो इसके कदमों में है, उनको इक्वेट कर दो। 8 इज इक्वल टू n-2, तो ये -2 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8+2 इज इक्वल टू n, n का वैल्यू आ गया 10, तो n की वैल्यू 10 है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है NC2 का वैल्यू, मतलब 10C2 का वैल्यू। तो देयरफॉर ये रिजल्ट आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, बहुत छोटा सा रिजल्ट है। देयरफॉर दिस NC2 इज इक्वल टू 10C2। अब 10C2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो 10C2 के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10 फैक्टोरियल 10-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 5 जा, तो 5 इंटू 9 इज 45। तो ये था दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 45। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी, जिसमें देखते हैं क्या करना है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज Find n if, क्या दिया हुआ आपको, 2NC3 is 2NC3,
इज इक्वल टू 12:1 और n की वैल्यू निकालनी है तो 2nc3:2 ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट है 2nc3:nc3, तो 2nc3 को कैसा लिख सकेंगे उस फॉर्मूले का यूज करके, 2n(2n-3)(3), ये रेशियो का निशान है मींस अपॉन है, n((n-3)(3). तो ये 3 factorial कैंसिल भी कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू 12:1 मीन्स 12 upon 1 is 12। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, 2n(2n-3)(2n-3)) है, तो 2n(2n) को ओपन करेंगे, तो 2n को कब तक ओपन करेंगे देखिएगा, 2n(2n) को ओपन करेंगे, 2n, 2n-1, 2n-2 और 2n-3, इस पे रोक देंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ देखिएगा, डिनोमिनेटर में लिखा है 2n-3, तो ये 2n-3, 2n-3 कैंसिल, होल अपॉन, पूरे के अपॉन में क्या लिखा हुआ है, पूरे के अपॉन में लिखा हुआ है n(n-3), n(n-1, n-2) में आ गया n-3, रोक दिया यहां पर, फायदा क्या मिला, ये जो डिनोमिनेटर का n-3 है वो इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 12 upon 1 is 12। आप ध्यान से देखें, ये 1 है, ये 1 है, ये जो 1 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, a(b)(c)(d) का कंसेप्ट लगेगा, a(b)(c)(d) क्या होता है मैं लिख भी देता हूं, वैसे आपको क्लियर होगा ये a(b)(c)(d), तो आप इसको d को इधर और b को इधर, ad(bc) ऐसा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2n-1, 2n-2 upon ये आ जाएगा n(n-1, n-2)=12। अब ध्यान से देखें, n से ये n कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इसको कैंसिल कर दो 12 को, 2 6 जा, इस 2n-1 is okay, 2n-2 में से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा n-1, यहां आ गया n-1, n-2 = 6, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 3 जा 6, n-1 से n-1 कैंसिल कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिएगा 2n-1 = 3 times n-2, तो ये जाएगा 2n-1 = 3n-6, -6 को उधर भेज दे आप, 2n को इधर भेज दे, तो -6 उधर जाके +6, 3n-2n, ये आ गया 5 = n, therefore n = 5, ये आपका आंसर है n = 5। अब सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें 2nc3 = 11/1 है, जो इसका सेकेंड पार्ट है, वेरी सिमिलर टू दिस, 2nc3 सेकेंड पार्ट, अगर आपको आता हो तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, 2nc3 upon nc3 = 11/1 और n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए 2nc3 upon nc3 इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिएगा 2n(2n-3)(3)^(whole upon nc3) = 11। अब आप देखेंगे कि
इसको भी ओपन कर दें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। अब थोड़ा सा तेजी से कर पाएंगे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये लिखा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल कर दिया। ये जो n माइनस 3 फैक्टोरियल है ये ऊपर चला जाएगा, और जो हमारा अरे पास अपॉन में n फैक्टोरियल आएगा तो इसको ओपन करेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया, n से ये कैंसिल हो गया, n से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब समय कम लगेगा क्योंकि हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसका। तो देखें, बिल्कुल पिछले जैसा ही, थोड़ा सा चेंज है, मामूली सा, केवल 12 की जगह 11 है। 2 इंटू 2n माइनस 1, 2 कॉमन ले ले उसमें से, n माइनस 1 होल अपॉन क्या आएगा, n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 11। ये n माइनस 1, n माइनस 1 को कैंसिल कर दें, 2 2 जा क्या हो गया 4, 11 इंटू एन माइनस 2, 4 2 जा 8, 8n माइनस 4, 11n माइनस 22, माइनस 22 उधर भेज दें, माइनस 4 प्लस 22, 11n माइनस 8n, ये आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 22 माइनस दिस 18, 3 को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ए हो जाएगा 18 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन, तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू 6, आंसर आ गया एन इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ये इसलिए मैंने कर दिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें, आपको कुछ अटपटा सा ना लगे। और अब हम आगे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। तो इसमें लिखा है, देर आर 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड हाउ मेनी डॉट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू देम। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं और कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं इसका जवाब हम चाहते हैं। तो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, लेट अस सी। इसके लिए दोस्तों एक बेसिक लॉजिक अगर आप मेरा सीख ले, मैं जो आपको समझाता हूं अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इसका क्वेश्चन का जवाब और इससे संबंधित और क्वेश्चंस के भी जवाब आएंगे। मान लीजिए कि आपके पास पांच पॉइंट्स हैं और पांच पॉइंट्स में से कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है, नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है और पांच पॉइंट्स हैं आपके पास, तो पांच पॉइंट में से लाइन अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन सी लाइन बन सकती है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनी है 10। जब भी हमने एक आपने बेसिक आइडिया भी देखा होगा, इसमें अगर मान लीजिए आपके पास 6 पॉइंट्स है तो बेसिक आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है लाइंस ड्रॉ करने का, कि आप दो पॉइंट्स कोई भी पकड़ के उसको ज्वाइन करते, देखो इसको कर दिया, इसको करते हो, कभी इसको करते हो, कभी इसको करते हो, कभी इसको करते हो, तो देर आर हाउ मेनी पॉइंट्स, देर आर 6 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन्स, कितने पॉइंट्स है 6 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, उनमें से कोई तीन कोलिनियर नहीं है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं इसमें से दो पॉइंट अपने मन में बिठा लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लेते हैं,
तो देर आर सिक्स पॉइंट्स, लेकिन हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो कोई ना कोई दो पॉइंट की मदद से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, हम सिक्स पॉइंट्स में से दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। सी का मतलब यहां पर होगा में से, सी का मतलब है में से, सी का मतलब याद रखिए कि सी का मतलब है यहाँ पे में से। हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, तो हमें दो पॉइंट लाइन, दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करना है, इफ वी विश टू ज्वाइन टू पॉइंट्स देन वी नीड टू थिंक अबाउट टू पॉइंट्स। देर आर सिक्स पॉइंट्स इन ऑल, सिक्स पॉइंट्स तो हैं, लेकिन जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम कोई ना कोई बेसिक आइडिया है, कोई ना कोई दो पॉइंट्स अपने, जैसे हमने इसमें तो एक सिक्वेंस में ज्वाइन कर दिया था तो इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जब भी आप लाइन ड्रॉ करना, जैसे इसको ड्रॉ करना है मुझे, एक लाइन ये बन सकती है, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बारे में सोचा, एक ये बन सकती, इन दोनों के बारे में सोचा, एक ये बन सकती है, इन दोनों के बारे में सोचा, तो बेसिकली मैं पहले अपने दिमाग में दो पॉइंट्स लेता हूं, फिर उन दो पॉइंट्स में से, तो सिक्स पॉइंट्स आर देयर इन ऑल, उनमें से दो पॉइंट मैं अपने दिमाग में बिठाता हूं और तब मुझे टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिल जाती हैं। तो यहां पर हमने देखा था कि 10 लाइंस आर देयर, कितनी लाइंस है, 10 लाइंस है, तो देयर वर हाउ मेनी पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स वर देयर, उनमें से हमने दो दो पॉइंट को सिलेक्ट किया, 5 में से दो, तो हमारे पास आएंगे 10 लाइंस। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू है 5 4 2 3 3 2 1, 5 4 3 पे रोक दो इसको, क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, वो उसको कैंसिल कर देगा, फैक्टोरियल 2 इज व्हाट, 2 into 1, 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो 5 2 जा व्हाट 5 2 जा इज 10, ये 10 लाइंस है, और इससे भी कितनी लाइंस आ रही हैं, एग्जैक्टली 10 लाइंस आ रही हैं, तो इसका मतलब ये प्रोसीजर सही है। अब इसका भी आप देख लें एक बार तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 अगर कोलिनियर होंगी तो क्या होगा, तो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, उसकी चिंता मत करें। देखें लाइन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, हमने 6 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स में तो दो दो पॉइंट को लिया तो टोटल 15 लाइंस आई। तो देखो 6C2 का वैल्यू इतना ही है क्या, तो देखते हैं, फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 6 इज व्हाट, तो फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हो आप 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 6 − 4 2 इज फैक्टोरियल 4, 2 factorial is 2 × 1, तो factorial 4 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर दें, 5 3 15, एग्जैक्टली द आंसर इज सेम, उससे भी 15 लाइंस, इससे भी 15 लाइंस। अब यहां पर कितनी लाइंस है, यहां पर सॉरी कितने पॉइंट्स हैं, तो 21 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल, ध्यान से देखें, एक सर्कल है, एक सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं। अब हम सारे 21 पॉइंट्स की अगर लाइन बना बना के चेक करेंगे तो ये तो बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम वो कंसेप्ट यूज करेंगे कि 21C2, क्योंकि हमें कोई भी दो पॉइंट लेना पड़ेंगे कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए, और इस पे लाए करने वाले कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते, दो पॉइंट तो नेचुरली कोलिनियर होंगे ना, क्योंकि दो पॉइंट से तो एक लाइन बन सकती है, दो पॉइंट से तो एक लाइन बन सकती है, लेकिन तीन पॉइंट्स इस पे कोई भी कोलिनियर नहीं होंगे, कितने भी पास पास हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, हालांकि ये तो बड़ा फिगर है तो समझ नहीं आ रहा, पर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में कैसे हो सकते हैं, दे आर लाइंग ऑन अ कर्व, ये तो एक कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो दे कैन नॉट बी लाइंग ऑन अ लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी होगी दोस्तों, आंसर होगा 21C2। 21C2 को ओपन कर ले इस फॉर्मूले से, 21 factorial upon 21 − 2 factorial × 2 factorial, 21 factorial को ओपन करेंगे, 21 × 20 × 19 factorial upon 19 factorial × 2 factorial is 2 × 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दें, तो देयर विल बी 210 लाइंस। हाउ मेनी लाइंस विल बी देयर,
देयर विल बी 210 लाइंस, 10 कॉर्ड्स, सॉरी 210 कॉर्ड्स, लाइन मतलब कॉर्ड्स. तो द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स होगी आपके पास 210. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट्स डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फिर धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएगी आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, नीड नॉट टू वरी, कोई चिंता की बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. तो हाउ मेनी बॉयज, अपने पास है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, और टीम बनाना है कितने की, अ टीम, अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स टू बी फॉर्म्ड, 3 गर्ल्स. तो आप ध्यान से देखिए, 5 बॉयज में से 3 बॉयज लेना है, 5 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स लेना है हमें, और टीम बना लेना है. तो 5 बॉयज में से 3, तो सी का मतलब जैसा कि आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सी का मीनिंग है में से, 5 में से, 5 में से 3, तो 5C3. एंड मीन्स, यहां पर एंड का मीनिंग, जब जब आप अपने मन में एंड बोलो तो इनटू करेंगे, जब जब मन में आप और बोलेंगे तो प्लस करेंगे. तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज लेना है, एंड 5 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स लेना है हमको, 5 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स लेना है. तो 5C3 इंटू 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सॉरी 4 गर्ल्स आर देयर, एक्सट्रीमली सॉरी, माफी चाहता हूं. तो यहां पे आ जाएगा 5C3 इंटू 4C3. अब 5C3 का वैल्यू निकाल लो, तो 5C3 का वैल्यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4C3, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल इज 120 है ना, तो 5 फैक्टोरियल की जगह 120 लिख देंगे. जो जो वैल्यूज आती हैं अब उनको डायरेक्ट लिख देंगे, तो ज्यादा हमारा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में काम होगा. 120 डिवाइडेड बाय 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 4 माइनस 3 इज 1, तो 1 इज 1, फैक्टोरियल 1, और ये 6, 3 फैक्टोरियल 6, 4 जा, और यहाँ पे आ जाएंगे 6 से इसको कैंसिल कर दें, 6 2 जा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 20 इंटू 2, ऑल इन ऑल, तो आंसर इज अवर 40, 40 इज अवर आंसर. ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है. 4 में आपने देखा कि आपका आंसर क्या आया, सी इज वॉट, तो सी स्टैंड्स फॉर एम में से. अगर आपको में से जैसे 5 चीजें हैं, मान लीजिए आपके पास 5 चीजें हैं ए बी सी डी ई, अब आपको 5 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो 5 में से 3 कौन कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं आप ध्यान से देखिए, एक ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप, एक ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप, एक ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं. ये हो सकता है आपका, एक ये हो सकता है आपका, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. लेकिन उसको इजीली, हाउ मेनी सच केसेस आर देयर, ऐसे कितने केसेस होंगे, तो दे कैन बी ऑब्टेंड थ्रू दिस रिजल्ट. उसको आप इस रिजल्ट से बता सकते हो कि 5 में से 3 कितने होंगे, 5 में से 3 सिलेक्ट करने के तरीके टोटल कितने होंगे, तो दे विल बी ऑल इन ऑल 5C3 टोटल केसेस. ऐसे तो आप गिनते रहो कि कभी ये 3 होंगे कभी वो 3 होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे इसमें हमने डिस्कस किया, और अगर 5 में से 2 का होगा मामला तो ये हो जाएगा आपका 5C2. तो 5C2 तो कभी ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर आप कौन सा ले सकते हो, फिर 2 ले सकते हो आप, ये हो गए आपके. अब इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, फिर इसको ले लो, इसको ले लो, फिर किसको ले लो, इसको ले लो. तो 5C2 का वैल्यू आपके पास आएगा 10. 5C2 का वैल्यू कितना आएगा, 10. और 5C3 का भी 10 ही आएगा. 5C3 में क्या होगा ध्यान से देखो, 5C3 में दो दो चीजों को छोड़ना पड़ेगा. देखो आपके पास है ए बी सी डी ई,
अब इसमें से दो दो चीजों को छोड़ दो, कभी इनको छोड़ दो, कभी मैं आपको ये बताता हूँ, कभी इसको छोड़ दिया, कभी इसको छोड़ दिया, तो किसको ले लिया हमने? जब ध्यान से सुनिए, जब हम इन दोनों को छोड़ देंगे तो इन तीनों को ले लेंगे, जब हम इन दोनों को छोड़ देंगे तो हम इसको इसको ले लेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको? दो दो चीजों को छोड़ना है। तो दो दो चीजों को छोड़ना कौन सी? एक बार इसको छोड़ा, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, टोटल केसेस कितने आ गए? दस आ गए। तो 5C3 का वैल्यू भी 10 होता है, 5C2 का भी वैल्यू 10 होता है। तो ये आपको तरीके बताते हैं कि इतने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका तरीका आपने देखा होगा कि कितना कन्वीनियंट हो जाता है अगर आपके पास फॉर्मूला हो। तो ये आपको बोलता है कि पांच में से तीन चीजें सिलेक्ट करना, ये बोलता है पांच में से दो सिलेक्ट करना। दोनों की वैल्यू सेम क्यों हो जाती है? तो दोनों की वैल्यू सेम इसलिए हो जाती है कि वो जो फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इसको देखो रख के आप, तो ये हो जाता है 5C3 और यहां हो जाता है 5C5 माइनस 3, तो ये हो जाता है 5C5 माइनस 3 विच इज 5C2। इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही थी? इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी। तो C का मतलब क्या है? C मीन्स वॉट? C मीन्स में से, एंड C स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन। C काहे के लिए है? C का मतलब है सिलेक्शन, सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के टोटल तरीके कितने हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछते हैं, लेट्स डिस्कस टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। अपने पास 6 रेड, 5 वाइट और 5 ब्लू है। 6 आपके पास है, 6 रेड, 5 वाइट, 5 ब्लू है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास इतनी है, 6 रेड, 5 वाइट, 5 ब्लू है। आप आपको लेना है टोटल 9 बॉल्स, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। टोटल कितनी बॉल्स ड्रॉ करना है? टोटल 9 बॉल्स, 3 ऑफ ईच कलर, 3 ऑफ ईच कलर। हर एक में से 3 लेना है आपको, ईच ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो इसमें से भी 3 लेना है एंड उसमें से भी 3 लेना है एंड उसमें से भी 3 लेना है। तो 6 में से 3 लेना है एंड 5 में से 3 लेना है एंड उस 5 में से भी आपको क्या लेना है? 3 लेना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं जरा वैल्यू। 5C3 का वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया था कि इसका वैल्यू 10 × 10 होता है। अब 6C3 का वैल्यू निकालना है, तो 6C3 का वैल्यू निकालने के लिए फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, या आप चाहें तो धीरे धीरे करें, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 को उड़ा देगा। इस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होगा 3 × 2 × 1 = 6। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 10 × 10 = 100, 5 × 4 = 20, 20 × 100 = 2000। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी हाउ मेनी? 2000 वेज विल बी देयर। 2000 तरीके होंगे इसके, क्वेश्चन नंबर 5 के। लेट्स डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 ace इन ईच कॉम्बिनेशन। अपने पास क्वेश्चन है 6, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 52 कार्ड्स आर देयर। हाउ मेनी आर टू बी ड्रॉन? 5 आर टू बी ड्रॉन इन सच अ वे that each combination has at least
has at least one ace. तो how many aces are there? At least one ace. तो इसमें 52 cards के आप देखेंगे इसमें 4 ace हैं, 4 तो इक्के हैं और other than ace क्या हैं? 4 non 48 जो cards हैं वो non ace, वो ace नहीं है. तो हमें क्या चाहिए? हमें बोल रहा है कि 5 ऐसे कार्ड निकालो जिसमें से एक एस आए. सॉरी एटलीस्ट नहीं है इसमें, एग्जैक्टली है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट कंटेन्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक एस होना, हैज एग्जैक्टली वन एस, एग्जैक्टली वन एस कम्स एग्जैक्टली एक एस होना, मतलब 5 कार्ड निकालेंगे तो 5 में एक एस होना और जो 4 दूसरे कार्ड है वो नॉन एस होना. मतलब हाउ मेनी एसेस आर देयर? 4 एसेस आर देयर. तो हम क्या चाहते हैं? व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? हम चाहते हैं कि 4 एसेस में से एक एस आए एंड मींस मल्टीप्लीकेशन. और 48 में से कितने आए हमारे पास? 48 जो नॉन एसेस हैं उनमें से 4 कार्ड आए, क्योंकि टोटल वी आर वांटिंग 52 कार्ड्स, तो 4 में से एक आए और 48 में से 4 आए. अब इसको कैलकुलेट करना है तो लेट्स कैलकुलेट इट. कैलकुलेट करने का एक और आसान तरीका भी है जो आप बिना फॉर्मूला लगाए भी कर सकते हो. उस तरीके को भी मैं आपसे शेयर करता हूं कि वो कैसे होता है. तो वो होता है इस तरीके से कि आप इसको देखो. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऐसा देखो 48C4, 48 के नीचे लिखा है 4, तो 48 से चालू करके नीचे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप 4 टर्म लिखो मल्टीप्लिकेशन में, 48, 47, 46, 45. अपॉन में लिख दो 4 है तो 4 फैक्टोरियल, 4321. अब यहां पे क्या करेंगे आप 4C1 में 4 से स्टार्ट करके एक ही लिखेंगे तो 4 अकेला खुद होगा और अपॉन में 1 है मींस 1 फैक्टोरियल तो वो 1 आएगा. तो ये इसका आसान तरीका था. 4 से इस 4 को कैंसिल कर दें, 3 से इसको कर देंगे आप तो आ जाएगा 15, 2 से इसको कर देंगे कैंसिल तो आ जाएगा 24 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 15, ये आपका आंसर होगा. 24 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 15, तो जो भी ये वैल्यू होगी ये आपका आंसर होगा. अब आप इसको, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, तो मैं आपको इसका आंसर बोल देता हूं और आप अपने तरीके से भी चेक करें और यू विल फाइंड द सेम आंसर. यू माइट बी हैविंग कैलकुलेटर. 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, 778320, 778320 7,78,000 है, 7,78,320 ये इसका वैल्यू आएगा. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और सरप्राइजिंगली यू विल कम टू नो दैट द आंसर इज वेरी करेक्ट. और क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. तो इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स? तो वी हैव हाउ मेनी प्लेयर्स? वी हैव 17 प्लेयर्स वी हैव 17 प्लेयर्स वी हैव इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल. इसमें से 5 कैन बॉल, तो टोटल ऐसा होगा 12 प्लेयर्स अलग है और 5 कैन बॉल. तो इसमें आप देखो कि 5 कैन बॉल ये लिखा हुआ है कि टोटल इसमें से 5 जो है वो दे कैन बॉल, मींस वो बॉलिंग कर सकते हैं, और जो 12 प्लेयर्स हैं ये बॉलिंग नहीं कर सकते. दे कैन बी बैट्समैन, विकेट कीपर और भी कुछ हो सकते हैं.
तो फाइव कैन बॉल, तो इनको तो उसमें से सेपरेट कर दिया। अब हमको एक टीम बनाना है, अ टीम ऑफ इलेवन, अ टीम ऑफ इलेवन इज टू बी फॉर्म्ड। आप चाहेंगे तो क्वेश्चन देख सकते हैं, अ टीम ऑफ इलेवन इज टू बी फॉर्म्ड, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ही बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो अ टीम ऑफ इलेवन इज टू बी फॉर्म्ड। कैसे वो कैसे बनाना है, विच इंक्लूड एग्जैक्टली फोर बॉलर्स, विच इंक्लूड एग्जैक्टली फोर बॉलर्स, एग्जैक्टली फोर बॉलर्स। तो फोर बॉलर्स चाहिए उसमें, एग्जैक्टली फोर बॉलर्स, तो फोर बॉलर्स चाहिए। तो फिर नॉन बॉलर्स कितने चाहिए, तो इलेवन में नॉन फोर बॉलर्स अगर ले लेंगे तो नॉन बॉलर्स कितने चाहिए होंगे, सेवन। तो इसका मतलब है कि इस ट्वेल्व में से सेवन आएंगे और इस फाइव बॉलर्स में से कितने आएंगे, फोर बॉलर्स आएंगे। फिर से समझ लेते हैं, अ टीम ऑफ इलेवन प्लेयर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम सेवनटीन प्लेयर्स, इन विच 17 प्लेयर्स, इन मीन्स इन 17 प्लेयर्स ओनली फाइव कैन बॉल, ओनली फाइव कैन बॉल, एंड अ टीम ऑफ 11 इज टू बी फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट द टीम टीम इंक्लूड्स एग्जैक्टली फोर बॉलर्स। तो उसमें हमें केवल चार बॉलर चाहिए, तो जो सेवन चाहिए वो नॉन बॉलर्स चाहिए, और नॉन बॉलर्स कितने हमने पास, नॉन बॉलर्स वी हैव 12, उसमें से हमें सेवन लेना है और इन फाइव में से हमें फोर लेना है। तो द आंसर विल बी 12C7 इंटू एंड इंटू 5C4, 12C7 इंटू 5C4। अब 12C7 को कैलकुलेट करने का आप सोचते हैं, 12C7 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो लेट्स सी हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। 12C7, इधर यू अप्लाई द फॉर्मूला और यू अप्लाई द टेक्निक व्हाट आई टोल्ड यू। तो 12C7 अगर आपको लग रहा है कि यहां पर बड़ी वैल्यू है, तो इसको आप लिख सकते हो 12C12-7, इट कैन बी रिड्यूस्ड। हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, यूजिंग दिस फॉर्मूला, NCR इज इक्वल टू NCN-R इंटू 5C4, इवन दिस कैन बी रिड्यूस्ड, इसको लिख सकते हो 5C5-4। तो ये रिड्यूस हो गया, ये हो गया 12C5, ये हो गया 5C1। अब कैसा, लास्ट टाइम जो कैलकुलेशन बोला था 12C5, यहां लिखा हुआ 5, तो 12 से स्टार्ट करके 5 स्टेप्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 12 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 11, 11 के बाद 10, 9, काउंट करते जाएं 1, 2, 3, 4, 8 अपॉन 5 इज, तो यहां 5 है तो 5 फैक्टोरियल लिखिए, 5, 4, 3, 2, 1। ये आसान तरीका है, फॉर्मूला इज देयर, यू कैन अप्लाई फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम, यू कैन अप्लाई 5C1, 5 से चालू करके आपको एक कदम चलना है, तो 5 इटसेल्फ इज फर्स्ट स्टेप, और यहां 1 है तो 1 मींस 1 फैक्टोरियल, नो चेंज। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल कर देंगे आप, 4 से ये कर दें 4, 2 जा, 3 से इसको कर दें 3, 3 जा, 2 से इसको कर देंगे 2 से इसको 2 से कैंसिल कर दिए, ये आपके पास आ गया है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3, 12 इंटू 3 अगर कर दूं मैं तो 36 हो जाएगा, 36 इंटू 11 इंटू 10 110। अब आप इसको ऐसे लिख दें तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका आसान सा हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7 विच वी आर कैलकुलेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 36 इंटू 110, लिखा हुआ था आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 100+10, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा 3600 और 36 इंटू 10 360, और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3960। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी आर हैविंग टू मोर क्वेश्चंस, लेट्स सी हाउ दे कैन बी सॉल्व्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, देयर इज अ बैग
विच कंटेन्स फाइव ब्लैक सिक्स रेड बॉल्स. डिटर्मिन द नंबर ऑफ वेज इन विच टू ब्लैक एंड थ्री रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड. वी वॉन्ट टू सिलेक्ट हाउ मेनी बॉल्स, टू रेड एंड थ्री ब्लैक बॉल्स. वी विश टू सिलेक्ट टू रेड एंड थ्री ब्लैक बॉल्स. तो इसका होगा 5c2 इंटू 6c3. 5c2 इंटू 6c3, पांच में से दो और छह में से तीन. 5c2 इज 10 इंटू 6c3 का वैल्यू होगा 654 अपॉन 321. तो ये हो जाएगा 3 2 6 से कैंसिल कर दिया तो ये 20 into 10. द आंसर विल बी 200. आंसर विल बी 200. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. होप यू कुड हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस विच वी हैव सॉल्वड. लेकिन अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी ये शेयर करें. आप अपने तक नहीं रखें, आप पढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा. तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 नाउ. इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस इफ 9 कोर्सेस आर अवेलेबल. 9 कोर्सेस आर देयर एंड 1 स्टूडेंट wants to choose 5 courses out of these 9 courses, but we are given 2 specific courses are compulsory for every student. Two specific courses are compulsory. तो इसका मतलब है कि इसमें से दो कोर्स तो पक्का है. 9 में से दो कोर्सेस कंपलसरी है तो ये कंपलसरी है, ये तो इस स्टूडेंट को लेने ही पड़ेंगे. तो इसके पास मजबूरी हो गई कि इस 5 कोर्सेस में से हाउ मेनी कोर्सेस ही और सी हैज टू सिलेक्ट. कंपलसरीली ही और सी हैज टू सिलेक्ट 2 स्पेसिफिक कोर्सेस. तो फिर उसके पास चॉइस कितनी रह गई? तो उसके पास चॉइस रह गई केवल 3 अलग कोर्सेस की. तो वो 3 अलग कोर्सेस कहां से सिलेक्ट कर सकता है या सकती है? वो इस 7 में से 3 कोर्स सिलेक्ट कर सकता है या सकती है. तो 7c3 देयर विल बी ओनली मींस दिस केस पॉसिबल 7c3 एंड हुज वैल्यू इज 7 से चालू करके 3 कदम नीचे की तरफ 765 अपॉन 3 फैक्टोरियल 321 और 321 को इससे कैंसिल कर दें तो द आंसर इज 35. ऑल इन ऑल देर आर 35 चॉइसेस टू चूज मींस 5 कोर्सेस इन गिवन क्राइटेरिया मींस थ्रू द गिवन क्राइटेरिया. सो माय बेस्ट विशेस विद यू. होप यू एंजॉयड दिस लेसन. और आप पीछे के वीडियो देखना चाहते हैं, आगे के देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, प्लेलिस्ट में देखें, कुछ और चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरी बेस्ट विशेस हैं, आप पढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा. चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. ऑल द बेस्ट.